सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ कमीशन पंजाब हेल्थ केयर को तहलील कर दिया। अदालत ने दो हफ्तों में नया बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर, ने बोर्ड ऑफ कमिश्नर पंजाब हेल्थ कमीशन को तहलील कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दो हफ्तों में नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने अद्भुत नोटिस की समाप्त की। अदालती हुक्म पर सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमिन राशिद अदालत में पेश हुई। केस की समाप्त शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि कहाँ है हुसैन नकी, जिसकी वजह से जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा ने इस्तीफा दिया। अदालत में मौजूद हुसैन नकी ने हाथ उठाकर जवाब दिया कि मैं अदालत में मौजूद हूं और आ रहा हूं। चीफ जस्टिस ने हुसैन नकी से इस्तफसार किया कि आप हैं क्या। हुसैन नकी ने अदालत को जवाब दिया, मैं इस्लामिया कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी हूं। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि तो फिर छोड़े बोर्ड जाकर यूनियन चलाएं, जिस पर हुसैन नकी ने कहा कि क्यों जाऊं, मुझे मुंतखिब किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बोर्ड को हमने खत्म कर दिया है, आगे चलें। ऊंची आवाज और तल्ख लहजे में बात करने पर चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क दिए कि आपकी जुर्रत कैसे हुई आपको, हम अभी तुहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं। हुसैन नकी ने कहा कि मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, मेरी बात पूरी सुने। चीफ जस्टिस ने कहा कि तुम बदतमीज आदमी हो, अदालत से माफी मांगो। शुक्रिया आपका उमर।